हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पांच डेली लाइफ में काम आने वाली टिप शेयर करूंगी, जिससे आपका बहुत सारा पैसा सेव होगा और काम होगा बहुत ही आसान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पुराने दोस्तों को बहुत सारा प्यार, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी पहली टिप है लिक्विड दवाई को लेके। जब हम लोग बहुत दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोगों को दवाई भी ले जाना पड़ता है। ड्राई मेडिसिन को तो हम लोग आसानी से बैग में भर के ले जाते हैं, बट लिक्विड दवाई को जब ले जाते हैं बैग में, दवाई गिर जाता है और बैग भी खराब हो जाता है, साथ ही साथ दवाई भी वेस्ट हो जाता है। तो ये ना हो, उसके लिए आप लीजिए फॉयल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े। अब बॉटल के ढक्कन में इसे लगा दीजिए, फिर रबर बैंड लगा दीजिए। इससे दवाई एकदम सेफ रहेगा और गिरेगा भी नहीं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी है। सेकेंड टिप है चूड़िया। हम लेडीज लोगों को पहनना बहुत ही पसंद होता है, तो हम चूड़ियों को जैसे तैसे करके पहन ही लेते हैं, चाहे वो ढीली हो या टाइट हो। बट जब खोलने के टाइम आती है तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम जब प्रेशर लगा के खोलते हैं तब हाथ लाल हो जाता है, तो चूड़िया आसानी से खोल जाए इसके लिए एक मोजा पहन लीजिए हाथों में। मोजे को चूड़ियों के अंदर ऐसे घुसा लीजिए। अब मोजे को ऐसे फोल्ड करके खोल लीजिए, इससे चूड़िया आसानी से खुल जाएगा। घर पे इस टिप को जरूर फॉलो कीजिए, ये टिप बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट टिप है इयररिंग्स को लेके। इयररिंग्स भी हम लेडीज लोगों को पहनना बहुत ही पसंद होता है। हम लोग ड्रेस के साथ मैच करके ऐसे इमिटेशन वाले इयररिंग्स बहुत पहनते हैं, बट जिस इयररिंग्स में ऐसे पीछे हुक्स रहता है, उस वाले इयररिंग्स के हुक्स अगर खो जाए तो हम उसे नहीं पहन पाते उस टाइम पे, जब तक नई हुक ना मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप ले लीजिए बिंदी। अब बिंदी के अंदर इयररिंग्स की डंडियों को ऐसे घुसा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी टिप है। बिंदी एक तरह से हुक का ही काम करता है, इससे इयररिंग्स एकदम सेफ रहेगा। तो आपसे जब भी इयररिंग्स का हुक घूम जाए तो आप ये टिप जरूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट टिप है आलू को लेके। हम लोग जब आलू काटते हैं तब छिलके को फेंक देते हैं, बट बहुत लोग छिलके के साथ ही आलू को खाते हैं, क्योंकि छिलके में मिनरल्स विटामिन रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट जो लोग आलू को पहले ही छील लेते हैं, छिलके को मत फेंकिए। छिलके में पानी डाल के एक रात के लिए रख दीजिए। भीगा रहेगा तो छिलके में जितना मिनरल्स है पानी में आ जाएगा। उस पानी को प्लांट्स के पॉट्स में डाल दीजिए। अब छिलके को पॉट्स के मिट्टी में दबा के घुसा दीजिए, इससे प्लांट्स हरे भरे रहेंगे और नेचुरली ग्रो भी करेंगे। लास्ट टिप है कॉफ़ी पाउडर को लेके। कॉफ़ी पाउडर को यूज़ करने के बाद कभी कभी हम लोग ठीक से इसका ढक्कन नहीं लगाता है तो ये जम जाता है। तो पहले आप लोग कॉफ़ी को एक बोल में डाल दीजिए, अब कॉफ़ी वाले शीशी या कोई भी एयरटाइट शीशी में कुछ चावल के दाने डालें और कॉफ़ी पाउडर को इसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसे चावल के दाने रखने से कॉफ़ी पाउडर एकदम ठीक रहेगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। अब इसका ढक्कन अच्छे से लगा के इसको फ्रिज या फ्रीजर में रख दीजिए, इससे कॉफ़ी कुछ महीनों तक एकदम ठीक रहेगा। तो आज की ये पांच टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।